है गाइस, मैं आप लोग को ये वीडियो में बताऊंगा। ये मैं वर्चुअलाइजेशन कर रहा था ये VMware पे, तो मुझे ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम फेस हुआ है मुझे। ये देखिए, दिस होस्ट सपोर्ट इंटेल VTX बट इंटेल VTX इज डिसेबल्ड करके दिखा रहा है। ये मेरे को एरर मिला, तो इसका ये एरर का सोल्यूशन क्या है तो मैं आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए बायोस में सेटिंग करेंगे हम लोग। बायोस में रिस्टार्ट कर रहा हूँ मशीन, F12 से बूट मेनू में जाके सेट बायोस में जाऊंगा मैं। ये बूट मेनू है F12, इसका एंटर बायोस, एंटर सेटअप करके बायोस आया है। तो उसमें ये बायोस फीचर्स में हम लोग आएंगे। ये देखिए, बायोस फीचर्स में इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी करके रहेगा, उसको हम लोग अभी डिसेबल ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, उसको इनेबल करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे है इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिसेबल है, तो उसको हम लोग इनेबल करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो एरर आ रहा है हम लोग को। इसको हम लोग इनेबल कर रहे हैं इंटर, और F10 से, ये देखिए F10 से इसको सेव करेंगे, F10 प्रेस करेंगे। ये देखिए F10 प्रेस करेंगे, यस पे इंटर करेंगे, यस। देखिए अभी मैं, ये मेरा सेव हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये मैंने सेव करके ऑन किया, अभी स्टार्ट हुआ, ऑन हो रहा मशीन। ओके, देखिए मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है। तो ये वर्चुअल बॉक्स हो, VMware हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर रन कर रहे और उस पर ऐसा एरर आ रहा है तो इसका सोल्यूशन यही रहेगा, वर्चुअलाइजेशन डिसेबल रहेगा, उसको इनेबल करेंगे। ये देखिए, मेरे को स्टार्ट करने पे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा था, अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये देखिए, अभी इसमें आप कोई भी मीडिया अटैच करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं इसमें वर्चुअलाइजेशन सिस्टम में। ओके, थैंक यू।